स्वागत आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे एक ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कैसे काम करता है, मतलब जो स्ट्रीट लाइट जो रात में ऑटोमेटिकली जल जाता है और जैसे ही दिन होता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाता है, लेकिन वो काम कैसे करता है यही हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं नॉर्मल कनेक्शन दिखा रहा हूँ, एक लाइट से देखो दो टर्मिनल निकल के आया, इस जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होगा लाइट चलेगा, ये सिंपल सभी को पता है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया है, ये लाइट के साथ एक रिले कनेक्ट कर दिया है सीरीज में, ये है सॉलिड स्टेट रिले। आप रिले भी यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल रिले, जो भी आपकी मर्जी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सॉलिड स्टेट रिले लगाया है, ठीक है। अब ये रिले कैसे काम करता है, ये रिले पर देखो चार टर्मिनल है, ठीक है। दो टर्मिनल को मैंने एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया और नीचे दो टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल से क्या लगेगा, डीसी, ठीक है। देखो मैंने डीसी भी सप्लाई मैंने कनेक्ट कर दिया। अब क्या किया मैंने, यहाँ पर देखो एक स्विच लगाया है, अभी लाइट में से करंट देखो फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर डीसी सप्लाई दूंगा, मतलब जैसे ही इस स्विच को मैं क्लोज सर्किट करूंगा, तब क्या होगा, बैटरी से करंट फ्लो होगा। जैसे ही करंट बैटरी से फ्लो होगा तब क्या होगा, ये रिले एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही एक्टिव हो जाएगा तब क्या होगा, लाइट से भी करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब ये तो मैनुअल है, तो स्विच कनेक्शन है, मैंने तो बोला तो ऑटोमेटिक, भाई मैं दिखा रहा हूँ कि रिले एक्चुअली कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब इस स्विच को हटाकर मैं क्या करूँगा, इसे ऑटोमेटिक करूँगा, लेकिन उससे पहले हम स्विच की जगह पर ट्रांजिस्टर लगाएंगे, देखेंगे एक ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक में आपका ट्रांजिस्टर का जो काम है वो सबसे ज़्यादा काम है ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो देखो ट्रांजिस्टर कैसे काम करते थे, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ट्रांजिस्टर ले लिया है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के साथ मैंने क्या किया, कलेक्टर के साथ, यह कलेक्टर के साथ मैंने क्या किया, एक लाइट लगा दिया है, लाइट का एक टर्मिनल, ठीक है। और दूसरा टर्मिनल लाइट का कहाँ पर है, घूम के आ गया इस स्विच में। अब स्विच के साथ देखो एक रेजिस्टेंस सीरीज में है और रेजिस्टेंस का और एक टर्मिनल बेस से कनेक्ट है, ठीक है। अब ये जो एमीटर है यहाँ पर क्या लगाया है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और देखो स्विच के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। देखो स्विच अभी भी ओपन है लेकिन ये लाइट से करंट फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों इसका रीज़न यही है, जब तक बेस और एमीटर से करंट फ्लो नहीं होता ट्रांजिस्टर से, तब तक कलेक्टर से एमीटर में भी करंट फ्लो नहीं होता। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेस से एमीटर में करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस स्विच को क्लोज करूँगा। देखो जैसे ही मैं स्विच को क्लोज कर रहा हूँ, देखो इधर से तो बेस से एमीटर में करंट तो फ्लो हो ही रहा है, उसके साथ देखो कलेक्टर से भी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में आप समझ में आ गया कि जब तक बेस से आपका करंट फ्लो नहीं होगा तब तक कलेक्टर में भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, स्विच को हटा कर मैं यहाँ पर LDR लगा दूंगा। LDR क्या है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये देखो LDR कैसे काम करता है, जब रात होती है ना LDR का रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, लगभग 100,000 ओम बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन इसे कहते हैं डार्क रेजिस्टेंस, LDR का डार्क रेजिस्टेंस कहते हैं इसे। लेकिन LDR में जब भी सूरज की रोशनी गिरती है तब क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस घटकर लगभग 100 ओम हो जाता है। अब LDR लगाने से क्या होगा, जैसे ही इसके ऊपर सूरज की रोशनी गिरेगी तब क्या होगा, ये LDR का रेजिस्टेंस घट जाएगा और बैटरी का करंट जो इस LDR के थ्रू रेजिस्टेंस के थ्रू बेस में जाएगा, बेस से एमीटर में आएगा। जैसे ही बेस से करंट फ्लो होगा तभी ये देखो ऊपर का लाइट से भी करंट फ्लो होगा। अब बात तो उल्टा होगा ही, मैंने तो बताया रात में लाइट जलेगी, लेकिन यहाँ पर देखो जैसे ही दिन में, सूरज तो दिन में उठते सभी को पता है, तो जैसे ही सूरज की रोशनी इस पर गिर रही तभी लाइट जल रहा है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि LDR कैसे काम करता है और इसके साथ ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। अब हम इसको उल्टा देंगे पूरा, देखो अभी आएगा मेन कनेक्शन, ये इसके बाद आएगा मेन कनेक्शन, ये कनेक्शन जो मैं दिखा रहा हूँ यही स्ट्रीट लाइट में होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, तो देखो यहाँ पर एक लाइट है, लाइट के साथ मैंने एक सॉलिड स्टेट रिले मैंने कनेक्ट कर दिया, उसके साथ दो टर्मिनल, मैंने एक टर्मिनल रिले का लगा दिया कहाँ पर, कलेक्टर पर लगा दिया, ठीक है। और एक टर्मिनल का स्विच कहाँ पर आ गया, सीधा देखो बैटरी पर आ गया, ठीक है। अब इससे मैं रेजिस्टेंस 1 मान लेता हूँ और इसे मैं रेजिस्टेंस 2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब रेजिस्टेंस 1 देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से देखो LDR के एक टर्मिनल पे कनेक्ट है, और इधर रेजिस्टेंस 2 का जो एक टर्मिनल है वहाँ पर कनेक्ट है, और देखो रेजिस्टेंस 2 का एक टर्मिनल बेस से कनेक्ट है।
और देखो LDR का एक टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट है और नेगेटिव जाकर कहाँ कनेक्ट है, एमिटर पे, और LDR का दूसरा कहाँ है, दोनों रेजिस्टेंस के बीच में LDR कनेक्ट है। अब बैटरी क्या होगा देखो, अच्छा मान लो अभी दिन है, ठीक है, अब दिन में क्या होगा, जैसे ही सूरज उगेगा तब क्या होगा, ये LDR का रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। अब ये LDR का रेजिस्टेंस से ये R2 का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो अब जब तक बेस से मीटर में करंट फ्लो नहीं होगा तब क्या होगा, कलेक्टर काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये सॉलिड स्टेट रिले काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट कहाँ आएगा, R1 पे आएगा, R1 से कहाँ जाएगा, R2 की तरफ नहीं जाएगा, LDR से सीधा नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्यों R2 की तरफ करंट क्यों नहीं जाएगा और LDR से नेगेटिव में क्यों चला जाएगा। देखो करंट वहीं से फ्लो करता है जहाँ पर रेजिस्टेंस उसको कम मिलता है, ठीक है, तो ये जो R2 का रेजिस्टेंस है ये बहुत जानबूझकर बहुत ज़्यादा डाल दिया जाता है, ठीक है। यह मान लो 1 के रेजिस्टेंस है और ये जो LDR का रेजिस्टेंस है ये 100 ओम लग, जैसे सूरज उगेगा ओम कितना घटकर 100 ओम हो जाएगा, मैंने बता दिया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इसका 100 ओम जैसे ही हो जाएगा ये करंट क्या करेगा, LDR के थ्रू नेगेटिव में चला जाएगा, ये R2 में फ्लो ही नहीं करेगा, R2 की तरफ जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट कहाँ आ रहा है, R1, R से LDR, LDR से सीधा नेगेटिव, ठीक है। अभी सॉलिड स्टेट रिले काम तो नहीं कर रहा क्योंकि उधर कलेक्टर से करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए अब जैसे ही सूरज ढल जाएगा तब क्या होगा, देखो ये LDR का जो रेजिस्टेंस वो लगभग 100,000 ओम हो जाएगा, ठीक है, तब करंट क्या होगा, ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आएगा R1 के थ्रू, R2 के थ्रू बेस से होकर एमिटर में, और एमिटर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। जैसे ही बेस से एमिटर में करंट फ्लो होगा तब क्या होगा, कलेक्टर में भी करंट फ्लो होगा, और जैसे ही कलेक्टर में भी करंट फ्लो होगा तब क्या होगा, आपका रिले एक्टिव हो जाएगा रात के टाइम में। जैसे ही आपका रिले एक्टिव हो जाएगा तब क्या होगा, लाइट से करंट फ्लो होगा और लाइट चल जाएगा। तो बस यही है, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट ऐसे ही काम करता है दोस्तों, और कुछ नहीं, इसके अंदर सेम यही होता है। तो आप ये छोटा प्रोजेक्ट घर में कर सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं। और जैसे LDR का रेजिस्टेंस रात के टाइम में बढ़ जाता है वैसे ही आप काम कर सकते हो, नीचे जो सब्सक्राइब बटन है वो बटन भी दबा सकते हो, उससे क्या होगा आपका नॉलेज धीरे धीरे बहुत बढ़ेगा, ठीक है। और भाई वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, मिलती है दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहें।